मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट को हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने मील का पत्थर बताया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस बजट को हर वर्ग का ख्याल रखने वाला बताया, तो वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। बजट मैं समझता हूँ न्यू इंडिया के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए, और सभी वर्गों का बहुत ध्यान रखा गया है, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे किसान की बात करें, चाहे मिडिल क्लास व्यक्ति की बात करें, जिनके पास घर नहीं है उनकी बात करें, और जो अन्य जितने भी जो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ग हैं, चाहे बड़े कॉरपोरेट हैं, सभी का बजट के अंदर ध्यान रखा गया। प्रधानमंत्री जी के मन में है 2022 जो 75 साल होगी भारत की आज़ादी की, उसमें बड़े चेंजेस चाहते हैं। वो चाहते हैं किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए, वो चाहते हैं हर आदमी को घर मिले, वो चाहते हैं कि हर घर में नल से चलाए, वो चाहते हैं कि हर आदमी हर परिवार के पास बिजली हो, हर गांव तक नहीं हर परिवार के पास बिजली हो, हर घर में रसोई गैस सिलेंडर उन्होंने पहले पहुँचाया है। तो एक बड़े सपने को लेकर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। ये बजट की परंपरा से आगे बढ़ करके बही खाते की परंपरा की शुरुआत हुई है। ये भारतीय दर्शन के आधार पर जो 21वीं शती में भारत को विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है, महाशक्ति बनाना है, उस दिशा में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर ये बजट साबित होने वाला है।